खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई गर्मियां भरपूर पड़ रही हैं, अब गर्मियों में मीठा खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन आज मीठा ही मीठा। वो क्यों? वो इसलिए कि कुछ मीठी चीजें ऐसी होती हैं जो 12 महीने खाई जा सकती हैं। देखते हैं आज ऐसी कौन सी स्पेशल स्वीट ट्रीट्स हैं जो आपके लिए हैं। शुरुआत करते हैं एक पिज्जा से। मीठी बात कर रहा हूँ और पिज्जा की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं कि किस तरह से हम पिज्जा बना सकते हैं। ये जो पिज्जा है बड़ा सिंपल है, इसके लिए मेरे पास यहाँ पर है ये स्पॉन्ज केक। बाजार में बना बनाया मिल जाता है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ बाजार से खरीद के ले आए। हाँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। और उसके बाद इसे हमने काटना है, ये कट गया, और इसे कुछ देर तक हम पका लेते हैं। इसे आप अवन में थोड़ा क्रिस्प कर लें। ये अवन मैंने तैयार किया है और इसे 3 मिनट तक 190 डिग्री सेल्सियस पर इसे पकाना है हमने। अब एक और काम करना है आपने, और वो है फ्रेश क्रीम को तैयार करना। फ्रेश क्रीम ले लें और उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। ये जो फ्रेश क्रीम है इसे फेंटा हुआ है, और अब एक बोल में हम ले लेते हैं, ये है स्ट्रॉबेरी क्रश। और अगर आपको स्ट्रॉबेरी क्रश ना मिले तो आप स्ट्रॉबेरी जैम को छन्नी में से छानकर फिर इसमें डालें और इसके अंदर मिक्स करें ये फ्रेश क्रीम, और इसमें मिक्स कर दें। ये लीजिए। और अब कुछ फ्रूट्स काट लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर कीवी फ्रूट है। इसके लिए जो फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें वो अच्छे दिखने वाले होने चाहिए। अब कीवी फ्रूट तो अच्छा दिखता ही है, ऐसे नहीं दिखता, छीलने के बाद में ये अच्छा दिखता है। ये कीवी फ्रूट छिला हुआ, और उसके बाद इसे मैं लंबा काट लेता हूँ। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा दिखता है। ये ऐसे इसके पीसेस काट लें। इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो काट लेते हैं। इसमें से इसके पत्ते निकाल लें। ये हो गई स्ट्रॉबेरी स्लाइस, ये लीजिए। और यहाँ पर है मेरे पास पाइनएप्पल यानी अनानास। और क्या तैयारी करनी है? इसके लिए हमें चाहिए वाइट चॉकलेट। फ्रूट्स तो हो गए, अब इसके अलावा आपको कुछ फ्रूट्स चाहिए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नट्स चाहिए थोड़े से, तो बादाम को आप थोड़ा रोस्ट कर लें, आप चाहें तो ओवन में रोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लें। और उसके हमने ये टुकड़े काट लिए हैं। और ये रहा चीज को ग्रेट करके रख लें। नहीं, चीज नहीं है, ये है वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट को आप ग्रेट कर लें। ग्रेट कैसे करेंगे? आप फ्रिज में से जब चॉकलेट निकालें थोड़ी देर बाहर रख लें, फिर मोटे तरफ से आप उसे ग्रेट करें, जो ग्रेटर का सबसे मोटा वाला हिस्सा है उसे ग्रेट करें। इस तरह से चॉकलेट ग्रेट हो जाएगी। और अब हमारा जो केक है स्पॉन्ज, वो हम ले लेते हैं। अब इसे हम रख देते हैं सर्विंग प्लेट के ऊपर, ये देखिए। और इसके बाद ये फ्रेश क्रीम है, उसके साथ में इसमें है स्ट्रॉबेरी क्रश। और अब हम लगा देते हैं ये जो हमारे पाइनएप्पल के पीसेस हैं इसे, और इसी तरह से आप लगा दें स्ट्रॉबेरी के पीसेस। और ये जो हमारे पास कीवी फ्रूट, ये भी हम लगा देते हैं कुछ स्लाइसेस कीवी फ्रूट के। और अब ये जो नट्स हैं ये आप ले लें, और नट्स को डाल देते हैं हम इस तरह से। और अब बारी आती है चीज़ की, यानी वाइट चॉकलेट। ये वाइट चॉकलेट इसके ऊपर। और हाँ, इस पिज्जा को किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन छोटा सा तो पिज्जा है, बस फ्रूट्स अपनी मर्जी का लगाएं, दिखने में अच्छा होना चाहिए। फ्रूट पिज्जा तैयार। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स।
चॉकलेट फ्रूट पिज्जा के लिए हमें चाहिए एक गोल स्पॉन्ज केक, एक कप ताजी क्रीम फटी हुई, 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 3 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश, 2 कीवी फ्रूट स्लाइस किए हुए, 10 स्ट्रॉबेरी स्लाइस की हुई, 4 स्लाइस अनानास के कटे हुए, 20 बादाम भुने हुए और कटे हुए और 1 कप व्हाइट चॉकलेट ग्रेट की हुई। इसे बनाने के लिए स्पॉन्ज केक को 2 भागों में काट लें और अब इसे प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री सेल्सियस पर करीब 5 से 10 मिनट तक बेक करें और थोड़ा क्रिस्प होने पर निकाल लें। एक बोल में फ्रेश क्रीम और पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें और अब इस क्रीम में मिक्स करें स्ट्रॉबेरी क्रश और उसे भी मिक्स कर लें। स्पॉन्ज केक के स्लाइस को एक प्लेट के ऊपर रखकर इस पर स्ट्रॉबेरी क्रीम को डालें और इसे फैला दें। अब इसके ऊपर कटे हुए फ्रूट रखें जैसे कटा हुआ अनानास, स्ट्रॉबेरीज और कीवी फ्रूट। अब ऊपर से रखें भुने हुए और कटे हुए बादाम और ऊपर से डालें ग्रेट की हुई व्हाइट चॉकलेट। लीजिए फ्रूट पिज्जा तैयार।